आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 0 to 1 है लिमिट एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग 1 अपॉन एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स इक्वल टू गामा एम अपॉन एन की पावर एम, एम को प्रूव करना है। चूंकि यहाँ पर गामा एम है तो हमको इसको गामा एम के फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके फॉर्मूले में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हमेशा अगर लॉग है क्वेश्चन में तो हम उसकी लॉग 1 अपॉन एक्स की जगह वाई मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम दोनों साइड क्या किए, हम लॉग हटाएंगे तो ई टू पावर माइनस वाई हो जाएगा, और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार तो डी एक्स हो गया और माइनस ई टू पावर माइनस वाई डी वाई। अब हम लिमिट चेंज करते हैं, तो अगर लिमिट में हम इसमें एक्स इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो वाई इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाता है, और यदि एक्स इक्वल टू हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये लिमिट की वैल्यू ये और ये एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं और डी एक्स का वैल्यू ये यहाँ रख दिए। ठीक, तो हो गया हमारा ये जी इन्फिनिटी टू 0 लिमिट। ठीक है, और ई टू पावर एक्स की जगह हम क्या माने हैं, ई टू पावर माइनस वाई, तो हो गया हमारा ई टू पावर माइनस वाई एक्स की जगह एन माइनस वन, और लॉग 1 अपॉन एक्स की जगह क्या हो गया वाई, तो वाई की पावर एम माइनस वन। ठीक है, और डी एक्स की जगह हो गया माइनस ई टू पावर माइनस वाई डी वाई। ठीक है, अब हम क्या किए, माइनस को ये वाला माइनस बाहर ले लिया। ठीक है, तो हो गया इन्फिनिटी टू 0 ई टू पावर, यहाँ पर वाई का इंटू कर देंगे यहाँ पर, तो एन वाई हो गया माइनस में प्लस हो जाएगा वाई, और चूंकि ई टू पावर माइनस वाई यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लिए हैं, ई टू पावर माइनस वाई है तो ये प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा इसके साथ, तो माइनस वाई और वाई इक्वल वाई की पावर एम माइनस वन डी वाई। अब हम इस जो माइनस है अभी तो इन्फिनिटी टू 0 ये है वो हो गया हमारा, ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया तो ई टू पावर माइनस एन वाई बचा और वाई की पावर एम माइनस वन डी वाई। अब हम क्या किए, जो लिमिट है अपना लिमिट को चेंज करते हैं तो यहाँ माइनस साइन हट जाता है, तो हम लिमिट चेंज कर दिए, लिमिट हो गया हमारा 0 to infinity ई टू पावर माइनस एन वाई वाई की पावर एन एम माइनस वन डी वाई। ठीक है, हम जानते हैं जो बीटा गामा फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो होता है गामा एन इजक्ल टू 0 to infinity। ठीक है, और ये होता है ई टू पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर एम माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये होता है गामा एन का फार्मूला, सॉरी यहाँ पर एम है, एन है ना, एन माइनस वन, क्योंकि जहाँ जो यहाँ रहेगा एन, जैसे एन है तो यहाँ भी एन में माइनस वन ही करेंगे, अगर यहाँ गामा एम है तो यहाँ पर गामा, तो यहाँ पर एक्स की पावर एम माइनस वन हो जाएगा, और ध्यान रहे जहाँ जो ई ई की पावर में जो रहेगा ना वो यहाँ भी रहना चाहिए ये यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारा ई की पावर में माइनस ई यहाँ पर एन वाई है और यहाँ पर केवल वाई है, यहाँ भी अगर एन वाई की पावर में होता है एम माइनस वन तब हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन अभी तो हमारा यहाँ ई टू पावर माइनस एन वाई है और यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो हम इसको भी वाई बना दें तो काम हो जाएगा, है ना, तो उसके लिए क्या किए, हम एन वाई इक्वल टू हम जेड मान लिए, तो हमारा हो गया डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन और एन को इधर भेज दिए अपॉन एन रख दिए इक्वेशन में, तो हमारा हो गया 0 to infinity एन वाई की जगह रख दिए जेड तो ई टू पावर माइनस जेड, और वाई की जगह हो गया हमारा, यहाँ से वाई का वैल्यू निकालेंगे तो वाई इक्वल टू हो जाएगा जेड अपॉन एन, तो वाई की जगह जेड अपॉन एन हो गया पावर एम माइनस वन,
और डी जेड अपॉन वह डी वाई की जगह हो जाएगा डी जेड अपॉन एन। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ से हमारा एन की पावर हो जाएगा एम माइनस वन और यहाँ से एन का पावर वन है बाहर ले लिए, तो एन की पावर एम माइनस वन यला और प्लस वन। अब हो गया जीरो टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस जेड और जेड की पावर बचा एम माइनस वन डी जेड। अब हो गया ना, जो यहाँ है माइनस में जेड है, ई की पावर माइनस जेड है और यहाँ भी जेड की पावर एम माइनस वन है। ठीक है, और जो यहाँ पर है उसकी उसको गामा में लेते हैं ना, यहाँ पर माइनस वन के पहले जो रहता है उसको हम गामा के फॉर्म में लेते हैं। तो इसको ले लिए हम गामा एम की, देखिए यहाँ पर एन माइनस वन था तो यहाँ पर गामा एन लिए हैं, यहाँ पर एम माइनस वन है तो गामा एम आएगा। ठीक है, तो हो गया गामा एम अपॉन, यहाँ पर प्लस वन माइनस वन कट गया तो एन की पावर एम, तो गामा एम अपॉन एन की पावर एम। और देखिए यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, धन्यवाद।